हेलो फ्रेंड्स, आजकल जो बैक पेन की जो समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें कि हर सेकंड एंड थर्ड पर्सन को ये समस्या है, जो कि अपने गलत पोस्चर्स के कारण है। और होता क्या है कि इस तरह की जो बैक पेन की समस्या होती है, तो पेशेंट्स को कई बार क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाता और वो बड़े लंबे टाइम तक सफ़र करता रहता है, और वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे डॉक्टर्स के पास में चक्कर लगाता रहता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण उसकी समस्याएं बढ़ जाती है, और लास्ट में ये सिचुएशन हो जाती है कि उनको ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो इसी तरह हमारे पास में राधे श्याम जी हैं, इनको जिनको कि बैक पेन था, बैक पेन के बाद में पूरे पाँव के अंदर रेडिकुलोपैथी था। तो आज इनसे अपन, इनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो गया है, आज इनसे अपन एक्सपीरियंस रिव्यू जानना चाह रहे हैं। बताइए राधे श्याम जी, क्या दिक्कत थी आपको? बस यहाँ से कूल्हे से लेके नीचे तक दर्द हो गया था पिटने में। अब बिल्कुल ठीक कितने टाइम से दिक्कत थी आपको ये? है। 1 महीने से थी, एक महीने से। तो किस किस चीज़ में दिक्कत आ रही थी आपको? चलने में दिक्कत आ रही थी, खड़े होने में, चलने में, इनमें सब में आकड़ दिक्कत सब थी में क्या हो रही आपको? थी। मतलब खड़ा होते ही करंट सा लगता था यहाँ से। अब खड़े हुई है एक बार, अब सही है। आगे की तरफ झुको, देखिए बताओ। क्यों हाँ, इसमें दर्द हो तो मुझे बताना। दर्द है? नहीं? पीछे की तरफ झुको, इसमें कोई दर्द है? नहीं, जबकि पहले पहले ये सब चीज़ें करने पे क्या होता था, खड़े होना ही नहीं, मतलब मतलब कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आधा तो मिनट भी खड़ा नहीं होता फ्रेंड्स, ये था। देखो कि इनको पहले स्लिप डिस्क के कारण, नव कंप्रेस होने के कारण बैक में, इनसे खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, और अब आराम से खड़े हैं, सारे सब चीज़ें मूवमेंट कर रहे हैं, और इनका 20 डेज़ के आसपास फिजियोथेरेपी चला है, और 100% इनको रिकवरी है। तो आप क्या बोलना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि जिन मरीजों को इस तरह की समस्या है तो क्या करना चाहिए, नहीं बताइए। अच्छा है, मैं तो जाके आया था, जैसे न्यूरो वाले के पास भी गया था, दो जगह जाके आया, हाँ, उसके बाद में यहाँ आया हूँ। तो आप क्या सोचा बोलना चाहोगे, जिसको भी समस्या है तो कहाँ पर जाना आना चाहिए ट्रीटमेंट कराने के लिए? यहीं आना चाहिए जहाँ पर ठीक है, तो सर बोल रहे हैं राधे श्याम जी के, अगर इस तरह के अगर कोई भी पेशेंट है तो कहीं और ना भटके और सीधा फिजियोथेरेपी के लिए यहीं पर आया। थैंक यू।